नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन में सख्तियां और बढ़ा दी है, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। सरकार के लॉकडाउन के फैसले से नाराज व्यापारियों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया। व्यापारी अब रास्तों पर उतर कर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा नजारा बीते दिनों से नागपुर शहर में विविध परिसर में नजर आ रहा है, जहां महल, गांधीबाग, सीए रोड, मोमिनपुरा, यहां व्यापारी वर्ग ने रास्तों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस मेटल मर्चेंट एसोसिएशन के प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी गवर्नमेंट से क्या मांगे हैं? हम देख रहे हैं पिछले एक साल से हम लोग कोरोना की लड़ाई से जूझ रहे हैं। एक साल में हमने क्या पाया, इतना लड़के जनता सफर कर रही है, व्यापारी सफर कर रहा है, सरकार भी भुगत रही है, लेकिन लॉकडाउन इसका अल्टीमेट पर्याय नहीं है। लॉकडाउन की परिभाषा क्या होती है ये सरकार हमें पहले समझाए। लॉकडाउन यानी एकदम कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, हमें एक परिंदा भी पर मारते हुए रोड पे नहीं दिखना चाहिए। ये व्यापारी को ही टारगेट बना के उनकी दुकानें बंद रखते हैं और ये समझते हैं कि इससे वो कोरोना पे अंकुश पा लेंगे, पर ये अंकुश नहीं पाया जा रहा है, ये हमने देख लिया है। तो हमें चाहिए, देखिए हमारी इतनी सी बात है, हम हैं व्यापारी, हमारा धर्म है व्यापार करना, हम लोग व्यापार करते हैं, बड़ी मेहनत मजदूरी करके करते हैं और हम गवर्नमेंट के भी सारे टैक्स चुकाते हैं। आज गवर्नमेंट ने व्यापार तो बंद कर दी, लेकिन अपना जो अपनी जो खुद की कमी थी वो हम पर डाल दी। आज सिर्फ व्यापार बंद है, मतलब सिर्फ सेटर बंद है, बाकी हर चौक में भीड़ वही है। क्या इससे मतलब संक्रमण नहीं फैल रहा है? मार्केट बंद करा करके तो ऐसा हो गया कि अभी लोग एक दूसरों के घर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, उससे संक्रमित और हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार आज ही हमको खोलने देवे, व्यापार आज ही खोलने देवे, सरकार हमको बताए, अपनी गाइडलाइंस तय करे। हम सब व्यापारी आज यहाँ जमा हुए हैं और हमारा सिर्फ यही कहना है कि ये बंद बिल्कुल व्यापार के खिलाफ है। सरकार ने पहले जब ये कानून लाया बंद का तो बोला था कि कड़क निर्बंध रहेगा, सरकार के वर्ड्स थे कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा पर एक कड़क निर्बंध रहेगा, पर सरकार ने हम सब लोगों के साथ धोखा किया है, क्योंकि ये कड़क निर्बंध नहीं है, टोटल लॉकडाउन है। आज नॉन एसेंशियल शॉप को परमिशन नहीं है पूरे वीक के थ्रू आउट और 30 अप्रैल तक के ये बंद का ऐलान हुआ है। मैं कहना चाहूँगा हम व्यापारी अपने पेट से जुड़े हैं, सुबह आते हैं दुकान में और रात को हम जाते हैं। व्यापार हिंदुस्तान में सेकेंड नंबर पर रोजगार जनरेट करता है, तो मेरा ये बोलना है एक दुकान में सिर्फ एक पेट जुड़ा नहीं है, साथ में हर दुकान में अनुमान 4 जन 5 जन 10 जन काम करते हैं, तो एक दुकान से 10 पेड़ को गवर्नमेंट मार रहा है। मेरा ये कहना है सरकार इकोनॉमिक फ्रंट में सोचते हुए कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ व्यापार चालू करने की परमिशन दे। देखिए ये प्रोटेस्ट हमारा हमारे व्यापार के लिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा विरोध किसी भी सरकार से नहीं है। हमारा विरोध इस बात से है कि हमारा जो व्यापार सरकार ने बंद करवा दिया है उस बात को लेकर हम हमारा विरोध दर्ज करा रहे हैं। उसका सबसे बड़े कारण ये है कि हमारे खर्चे, हमारे जो एक्सपेंसेस है जो एज इट इज उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे साथ हमारे परिवार के साथ हमारे साथ साथ हमारा स्टाफ, हमारा वर्किंग बाजार में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत से लोग हैं जिनके रोजगार चलते हैं और उसमें हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, तो सभी को इसका बहुत नुकसान हो रहा है और ना ही हमें कोई रियायत मिल रही है। सरकार ने अगर लॉकडाउन लगाना था तो भी एकदम 30 अप्रैल तक के नहीं लगाना था, जिससे कि व्यापारी का मनोबल एकदम टूट जाता है। और ये व्यापार का समय है, हमारा जो दुकान का स्टाफ रहता है, दुकान का इलेक्ट्रिक का बिल रहता है, GST हम भरते हैं, जिसका कि गवर्नमेंट में हम GST भरती तो उसको सर्विस टैक्स मिलना चाहिए हमें लगे, तो ऐसा है गवर्नमेंट के लिए हम एक तबला हो गया, जैसा जाओ वैसा बजा दो। और लॉकडाउन के राष्ट्र शासन ने जो बंद का निर्णय लिया है वो किसी भी प्रकार का निर्णय सही नहीं है, बेतुकासन है। आपको अगर जो कोरोना से किसी भी प्रकार का रोकथाम करना है तो पब्लिक को रोका जाए। पब्लिक आपने खुली छोड़ दी है, निजी संस्थाएं आपने बंद कर दी है, आपकी ST बस चालू है, आपकी लोकल ट्रेन चालू है, आपकी ट्रेन चालू, यहाँ भी कोरोना बढ़ता है वो आपने सब चालू रखा है और बाकी सब निजी संस्थाएं बंद कर दी। तो मेरा ऐसा कहना है कि इसके वापस दोबारा ध्यान देवे और उसमें निर्णय हमारे तुम दुकानों की लड़कों की पगार
हमारी दुकान का किराया, हमारी बैंक की ईएमआई, हमारा टैक्स, हमको आप पैकेज बना के दो, हम 300 दुकान बंद रखते हैं। बहुत बढ़िया, दुकानें खोलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दुकानें खुले, क्योंकि आखिर कितना समय दुकानें बंद रहेंगी, यानी क्या ये सिर्फ व्यापारी वर्ग की जिम्मेदारी है क्या कोरोना को फैलाने के लिए?